संत आसाराम बापू दुष्कर्म के मामले में पिछले 9 वर्षों से जेल में बंद है। हर वर्ष उनकी रिहाई की मांग को लेकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रैली व ज्ञापन दिया जाता है। इस वर्ष भी आसाराम बापू के अनुयायियों ने ज्ञापन सौंपकर बापू की रिहाई की मांग की है। बापू के अनुयायियों के अनुसार अभी तक दुष्कर्म के आरोप सिद्ध भी नहीं हुए हैं, उसके बाद भी बुजुर्ग संत को रिहा नहीं किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कलेक्टर कार्यालय परिसर में नारेबाजी करती हुई यह महिलाएं संत आसाराम बापू की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। दरअसल आसाराम बापू दुष्कर्म के मामले में पिछले 9 वर्षों से जेल में बंद हैं। आसाराम बापू पर आरोप लगने के बाद से ही उनके अनुयायी आरोपों को बेबुनियाद बता रहे थे। अब 9 वर्षों के बाद भी जब आरोप सिद्ध नहीं हुए, जिसके बाद बापू की रिहाई की मांग भी तेज हो चली है। मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इंदौर स्थित आश्रम से अनुयायी वाहन रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय तक पहुंचे। अनुयायियों ने बापू की जल्द रिहाई को लेकर नारेबाजी की। बापू के अनुयायी व गुरुकुल की प्राचार्य के अनुसार बापू को जल्द रिहा तो करना ही चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने पॉक्सो एक्ट में बड़े संशोधन करने की भी बात कही। हम महिला उत्थान मंडल इंदौर की बहन है। हमारे गुरुदेव परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी को जो 9 साल से आजीवन कारावास की सजा दी गई है, तो उन्हें छुड़वाने के लिए हम लोग से प्रदर्शन कर रही हैं कि हमारे बापू जी पूर्णतया निर्दोष है। उन पर जो गुनाह जो लगाया गया है वो एक भी साबित नहीं हुआ है अभी तक, और उन पर जो भी जितने भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं सब झूठे हैं, सब निराधार है। उनको कोई आधार नहीं है किसी भी जो भी उन पर झूठे इल्ज़ाम लगाए गए हैं। तो हम सबकी यही मांग है कि उन्हें शीघ्र रिहा किया जाए, क्योंकि जिस लड़की ने बयान दिया है उसका बयान बिल्कुल झूठा है। जोधपुर की घटना वो बताती है, और दिल्ली में जाकर रात को 2:45 बजे वो FIR लिखवाती है, और जो FIR लिखी हुई है उसमें रेप शब्द का उल्लेख भी नहीं है, और जो FIR है उसके भी पन्ने फटे हुए मिले हैं। तो ये सब कोर्ट क्या कर रही है, 9 सालों से क्यों हमारे बापूजी को प्रताड़ित कर रही है। इतने वृद्ध, इतने बीमार संत थे, उनका हीमोग्लोबिन 3.5 हो गया था, फिर भी उन्हें रिहा नहीं किया गया, उन्हें एक भी दिन की बेल नहीं दी गई है। इस सदी की सबसे बड़ा अन्याय है इस सदी का है अभी तक का। हमारा यही कहना है कि हमारे बापूजी को शीघ्र रिहा किया जाए। मैं अनीता अग्रवाल। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। ये सारी महिलाओं को आप देख सकते हैं, हम सबकी एक पीड़ा है। हमारे पूज्य गुरुदेव संत श्री आसाराम जी बापू, जो पिछले 57 वर्षों से समाज की सेवा में कार्यरत हैं, आज भी जेल में रहकर भी उनके द्वारा जो चलाए गए सेवा कार्य हैं वो निर्विघ्न रूप से संचालित हो रहे हैं। उनको एक बेबुनियाद और झूठा आरोप लगा करके आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। उन आरोपों की सही तरीके से जाँच हो, पूज्य बापू जी को ससम्मान शीघ्र रिहा किया जाए। और दूसरा, ये जो पॉक्सो कानून बना है इसमें संशोधन की आवश्यकता है। ये कोई कानून होता है, 18 साल से कम उम्र की लड़की बोलती है आपने मुझे छू दिया, और आप उसको उठा करके, उस व्यक्ति को उठा करके, प्रतिष्ठित व्यक्ति को उठा करके जेल में डाल देते हैं, और वहाँ उसको बोलते हैं कि तुम सिद्ध करो कि तुम निर्दोष हो। ये कोई महिलाओं के सशक्तिकरण का कोई कानून नहीं है, ये प्रतिष्ठित पुरुषों को फंसाने के लिए बनाया गया एक कानून है। इसमें संशोधन की आवश्यकता है। इससे कोई महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो रही है, ना कोई सशक्तिकरण हो रहा है। एक पुरुष जब इस प्रकार के आरोप से आरोपित किया जाता है, उसको दोषी बनाया जाता है, तो उस पुरुष से जुड़ी हुई महिलाएं, उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी पत्नी, उसकी बेटी कितने ज़्यादा पीड़ित होते हैं, उनकी पीड़ाओं का भी ख्याल करें। तो 2 संदेश हम महिला उत्थान मंडल की ओर से देना चाहते हैं। एक, हमारे पूज्य बापू जी को ससम्मान रिहाई दी जाए, और दूसरा कि ये जो पॉक्सो कानून बना है इसमें संशोधन किया जाए। रश्मि चतुर्वेदी, संत श्री आसाराम जी गुरुकुल, प्राचार्य। यहाँ कलेक्टर कार्यालय पर SDM मुनीश सिकरवार ने ज्ञापन लिया। उन्होंने बापू के अनुयायियों को आश्वस्त किया है कि उनकी बात केंद्र सरकार तक पहुँचा दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News TV, इंदौर। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, MP की बात, MP News के साथ।